गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। ये आज इस वीडियो में बात करेंगे हम फ्रेंड्स क्रसुला के प्लांट के बारे में। क्रसुला प्लांट केयर के बारे में डिस्कशन करेंगे आज हम। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही प्लांट अपडेट्स टाइम से मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, क्रसुला के जो ये प्लांट है ये मैं कितने रुपये का लेके आया। क्रसुला का वैसे तो प्लांट काफ़ी महंगे मिलते हैं, ऑनलाइन भी 300 से 500 रुपए तक के जो प्लांट है क्रसुला के मिलते हैं, क्योंकि बहुत ही एक्जॉटिक प्लांट्स हैं। इंडोर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसको और लोग कई इसको अपने गार्डन में भी लगाते हैं। तो मुझे ये वैसे सस्ता मिल गया, लेकिन ये क्रसुला के जो बड़े पौधे होते हैं वो काफ़ी महंगे भी आते हैं, आपको 300 से 500 रुपये की रेंज में मिल जाएंगे। ये वाला जो पौधा है ये मैं 80 रुपये का लेके आया हूँ और लाके ये 8 इंचज़ के मिट्टी के गमले में मैंने रिपोर्ट किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। जैसे मैं हर प्लांट के बारे में आपको बताता हूँ, इसकी भी मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। पानी अगर आप एक बार दें इसमें तो अच्छे तरीके से नीचे चला जाए, ऊपर खड़ा ना रहे, क्योंकि जो क्रसुला का प्लांट है वो एक तरीके का सकलेंट होता है, सकलेंट फैमिली को बिलोंग करता है। तो अगर इसमें पानी बहुत टाइम तक खड़ा रहेगा तो इसमें रूट रॉट होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि सकलेंट प्लांट्स में ऑलरेडी जो इनकी लीव्स होती हैं उसमें प्लांट स्टोर्ड होता है, तभी इनकी लीव्स जो थोड़ी फूली फूली होती हैं, मोटी मोटी होती हैं, तो इनको इतनी ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। और मिट्टी भी इनकी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा बहुत देर तक गीली मिट्टी या सॉगी मिट्टी में रहेंगे तो इन पे रूट रॉट होना बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो इससे अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स वाटरिंग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सकलेंट होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं उसमें ऑलरेडी पानी स्टोर्ड होता है, तो इनको फ्रीक्वेंट वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो क्रसुला की अगर बात करें तो आपने इनको जब पहली वाटरिंग करनी है तो अच्छे से आप इसको पानी दे दीजिए, पूरा गमला भर दीजिए, ताकि इसका जो ड्रेनेज होल है उसके नीचे से पानी, एक्सेस पानी निकल जाए। और सेकेंड वाटरिंग के लिए आप वेट करिए जब तक इसकी जो ऊपर वाली मिट्टी की परत है वो सूख ना जाए। जब तक वो सूखती नहीं है तब तक आपने इसमें वाटरिंग नहीं करनी, और जब वाटरिंग करनी है तो अच्छे तरीके से करनी है ताकि इसकी जड़ों तक पानी पहुंच जाए। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए और इसको सन कितना और कैसे चाहिए। क्रेसुला को पार्शियल शेड और फुल सन दोनों ही ठीक लगते हैं, दोनों में अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं इसकी जो लीव्स, और कुछ वेराइटी में सकुलेंट्स के तो फ्लावर्स भी आते हैं। तो आपने ऐसी लोकेशन देखनी है जहाँ पे सुबह की इसको 2 से 3 घंटे की सनलाइट मिल जाए और आफ्टरनून में ये शेड में आ जाए। आफ्टरनून की जो दोपहर की तेज़ धूप होती है वो सकलेंट्स को नहीं मिले तो ही ठीक है, सुबह की 2-3 घंटे की अगर धूप इसको मिल जाएगी तो ये ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स इसकी फर्टिलाइजेशन के बारे में। सकलेंट्स को वैसे तो ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसको नर्सरी से लेके आ रहे हैं और रिपॉट कर रहे हैं किसी बड़े गमले में, तो आप रिपॉट करते हुए 1-2 मुट्ठी गोबर खाद डाल सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट जो भी आप ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करते हैं वो इसकी ग्रोथ के लिए ठीक होता है। लेकिन इसको फ्रीक्वेंट फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा नहीं है कि आपने हर महीने इसको फर्टिलाइज करना ही करना है। आप बस रिपॉट करते हुए 1 बार मुट्ठी डाल दीजिए, इसको गोबर खाद 1 बार डाल दीजिए और 2 महीने में 1 बार फर्टिलाइज कर दीजिए, तो इस पौधे के लिए बहुत है। मेनली इसके लिए क्या ज़रूरत होता है, इसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो इसको आप पानी का ध्यान अच्छे से रखें और इसकी लोकेशन ठीक हो तो ये पौधा आपका ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता। अब मैं बात करता हूँ इसकी डिजीज़ और पेस्ट के बारे में। इस पे स्पाइडर माइट्स और मेलीबग्स बहुत आसानी से लग जाते हैं, लेकिन वो चले भी जाते हैं अगर आप प्लांट शॉप से कोई फंजीसाइड लेके आए और वो पेस्टिसाइड वगैरह इस पे अगर थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे तो वो स्पाइडर माइट्स और मेलीबग्स नहीं लगते हैं इस पे, इसकी लीव्स पे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इसका रहता है रूट रॉट की वजह से, जो होता है पानी बहुत ज़्यादा देने की वजह से। कई लोग क्या करते हैं कि इन पौधों को पानी ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन सकुलेंट्स को पानी बहुत कम चाहिए होता है। इनकी वाटरिंग नीड्स आपको तब पता लग जाएगी जब इसका ऊपर वाला मिट्टी का जो लेयर है वो सूखनी शुरू हो जाएगी, तभी आपने पानी देना है। मैं बार बार पानी देने पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सकुलेंट्स बहुत जल्दी पानी को रिएक्ट करते हैं, और अगर पानी आपने ढंग से इसका ध्यान नहीं रखा तो बहुत जल्दी मर भी जाते हैं। तो ये बेसिक केयर टिप्स का आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स अपने क्रसुला के पौधे के बारे में, और आपका जो पौधा है अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, और अगर इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिए, मैं आपको जवाब दूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।